हाई गाइस, सीयूटी रिजल्ट इज आउट एंड मेनी ऑफ यू हैव स्कोर वेरी वेल इन दी एग्जामिनेशन. मतलब मुझे तो स्टूडेंट मिले जो 280 के ऊपर गए हुए हैं, सो विच इज़ वेरी गुड स्कोर. वेरी सुन आई विल बी स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट. बाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट. ठीक है. ऑल्सो सारे स्कोर को लेकर के आई विल बी मेकिंग द नेक्स्ट वीक अनदर वीडियो, जहाँ पे हम थोड़ा और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. मैंने ऑलरेडी सीओकेपी 11 और सीओकेपी 12 को लेकर कट ऑफ वाला वीडियो बना दिया था. ठीक है. विच वॉज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि हाँ, 2-4 मार्क्स, 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं. इन एडिशन टू दिस आई हैव गिवन यू द गूगल फॉर्म का लिंक विच इज इन द डिस्क्रिप्शन. काइंडली फिल योर डिटेल्स, आपका नाम, आपका कोर्स कौन से, पेपर कोड क्या है, क्या स्कोर आपका आया हुआ है, उसको फिल कर दो. वो ये मतलब ये डेटा मेरे लिए हेल्पफुल होगा आगे के कट ऑफ को लेकर नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. दूसरा पॉडकास्ट भी विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक. ठीक है. तो दोनों चीज़ अपन करेंगे. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जितने लोगों ने फोड़ा है, अच्छा किया है. HRM के लिए देख रहे हो, ODCL के लिए देख रहे हो, या एनालिटिक्स के लिए देख रहे हो, या डेवलपमेंट स्टडी, या जो भी कोर्स के लिए देख रहे हो, MHA MPH के लिए देख रहे हो. अगर स्कोर अच्छा आया है तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड. अभी जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि सर मेरा स्कोर तो आया है बट चांसेस है कि मैं शॉर्टलिस्ट होऊंगा, या मेरा मुझे ऑनलाइन असेसमेंट की पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, स्टार्ट कर देना है कि नहीं कर देना, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है ना. जो स्कोर आया उसके बेसिस पे मुझे कॉल आएगा, कट ऑफ मेरा क्लियर ही होगा बिकॉज वो अनसर्टेन है. तो मैंने आपको इस वीडियो में कट ऑफ की लिस्ट पूरी दे देता हूँ. आप ये कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलो. अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन असेसमेंट की पढ़ाई चालू कर दो. नेक्स्ट वीक से मंडे या ट्यूसडे आई विल बी पोस्टिंग वन अनदर वीडियो, जहाँ पे मैं कंप्लीट टाइम टेबल दे दूंगा कि ऐसे ऐसे आपके ऑनलाइन असेसमेंट की प्रिपरेशन चालू होगी. टेस्ट का प्रोसेस नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा. मतलब एक नोटिफिकेशन तो रिलीज करेंगे वो, क्योंकि मिड ऑफ अप्रैल में हम बैठे हुए हैं और मई का मंथ हमारे पास 45 डेज का टाइम है. जून में उनका कॉलेज चालू करना है, तो फटाफट सारे काम उनको ख़त्म करने पड़ेंगे. दूसरा कोर्सेज, व्हाट कोर्सेज शुड आई अप्लाई, तो ये भी एक डाउट है. सो आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक, जहाँ पे मैं क्या क्या कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीम, वो मैं बताऊँगा. तो वो एक अनदर वीडियो होगा जो आप देख सकते हो कि हाँ, मैंने MPH हूँ, मैं MHA हूँ, तो हेल्थ सेक्टर के साथ मैं और कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकूँ. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तीन कोर्सेज चूज करना. आइडियली यू कैन ऑप्ट फॉर 3 कोर्सेज 2 कैंपसेस में. ठीक है. तो कोई एक कोर्स, दो कोर्स भी करता है, कोई 3 कोर्स करता है. ठीक है. बाकी DAF, GD एंड एक्सटेम्पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेकर आई विल बी डिस्कसिंग. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वीडियो शेयर करो सारे लोगों को, जितने लोगों ने CUT लिखा था, अभी टेस्ट टारगेट कर रहे हैं और अभी सेकंड स्टेज 2 के लिए प्रिपरेशन चालू करनी है. ऑलरेडी हमने प्रोग्राम लॉन्च किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 करके ऑनलाइन असेसमेंट को लेकर काइंडली चेक इट. ऑडिट तो सिलेक्शन प्रोसेस वाइज HRM और ODCL के लिए CUET का स्कोर, देन TISC के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोसेस चालू होगा रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद DAF रिलीज होगा, ऑनलाइन असेसमेंट जिसके अंदर GD, PI, आफ्टर देन मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के CUET PG का स्कोर, DAF ऑनलाइन असेसमेंट जिसके अंदर केस डिस्कशन, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन. अदर कोर्सेज को लेकर के CUET, DAF, एक्सटेम्पर ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. ऑलराइट. सो ऑनलाइन असेसमेंट को लेके 1 कोर्स 2 कोर्स एंड 3 कोर्स, ये 3 प्रोग्राम लॉन्च किया हमने. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, काइंडली चेक इट. ठीक है. सो दो कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपको 2 कोर्स को लेके अलग अलग इंटरव्यू होगा, और अगर किसी में GD है तो आपको GD करना पड़ेगा, GD के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसका GD को लेकर जो सेशंस होंगे वो अटेंड करना पड़ेगा. अगर आपका केस डिस्कशन है तो उसको लेकर के, अगर एक्सटेम्पर है तो एक्सटेम्पर की प्रिपरेशन एंड ऑल. ठीक है. तो काइंडली चेक द प्रोग्राम. कट ऑफ पे बात करते हैं. ये यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, वापस से बता दे रहा हूँ. दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. अगर ये स्कोर के रेंज में आपका स्कोर है तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन असेसमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आपका स्टेज 2 की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो. ठीक है. HRM के लिए 255 से लेके 265, ये 250 प्लस होगा तो भी ठीक है. अगर आप कैटेगरी में हो तो 5-10 मार्क्स डाउन कर देना भाई, या तो 15 मार्क्स, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी. ठीक है. ये जनरल कैटेगरी को लेके ये कट ऑफ आपका होने वाला है. ODCL में 245 से 255, तो 240 के ऊपर आप पकड़ सकते हो यहाँ पे. वैसे एनालिटिक्स भी 240 के ऊपर रफली, वैसे अदर कोर्सेस. ठीक है. हेल्थ सिस्टम को लेकर के MHA 225 से 235 के आसपास का, अगर ये रेंज में आपका स्कोर है या 220 के ऊपर है, 225 के ऊपर, तो यू कैन ट्राई दिस कोर्स. ठीक है. पब्लिक हेल्थ 210 से लेकर 215, 200 प्लस बाकी के कोर्सेज हेल्थ सिस्टम को लेकर के. देखो, एक तो आपका सिलेक्शन, जब भी शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, शॉर्टलिस्ट करने के बाद दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू राउंड एंड जो आपका उनका जो प्रोसेस है. ठीक है.
लास्ट में आपका फिर वेट लिस्ट प्रोसेस भी चालू होता है, फिर स्पॉट राउंड भी होते हैं, तो सीट अगर बची होती है या लोग कैंसिल करते हैं तो पीपल गेट दैट सीट। तो अपने को लास्ट तक फाइट मारनी है, ओके, गिव अप नहीं करना है। तो अगर आप हेल्थ सिस्टम को लेकर सोच रहे हो तो ये स्कोर आपका है, तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट की प्रिपरेशन आप चालू कर सकते हो। ये बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन असेसमेंट में ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, मेरा कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बनाया था, तो वापस से दे रहा हूँ ये सारे आपका सोशल वर्क को लेकर के। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस चार्ट गाइस, ठीक है। वैसे ही आपका गुवाहाटी कैंपस को लेकर के ये कट ऑफ रहेगा, CODP को लेकर के, फॉलोड बाई पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद कैंपस, तो ये कट ऑफ होंगे 220 के ऊपर आपका पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस हैदराबाद कैंपस। बाकी अगर 200 के ऊपर है तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ओके। तो मुझे एक बार गूगल फॉर्म का आपका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, वो डेटा फिल कर देना, तो एक वीडियो में और नेक्स्ट वीक में बना दूंगा, ठीक है। बाकी एजुकेशनल प्रोग्राम को लेकर के ये आपके कट ऑफ रहेंगे। कैटेगरी में आ रहे हैं तो अगेन आपका कट ऑफ कम जाने वाला है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। मास्टर ऑफ साइंस डेवलपमेंट स्टडीज मुंबई हैदराबाद गुवाहाटी कैंपस, तो भाई डेवलपमेंट स्टडी को लेकर के 225 से लेके 235, तो 220 के ऊपर का कट ऑफ पकड़ सकते हो। बाकी कोर्सेज को लेके ये कट ऑफ आपके बनेंगे, ठीक है। सो ये है आपकी कट ऑफ लिस्ट। अगर आपका स्कोर ये रेंज में है, आप अपना पढ़ाई चालू कर दो। कोर्स वन, कोर्स टू, कोर्स थ्री प्रोग्राम ऑलरेडी वी हैव लॉन्च। प्रिपरेशन मॉड्यूल नेक्स्ट वीक को मैं पूरा प्लानर देने वाला हूँ कि कैसे कैसे लेक्चर्स चलेंगे वगैरह, तो वो देख लेना। बट हाँ, फटाफट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, आज का टाइम है आपके पास, कल का टाइम है, फटाफट प्रोग्राम ज्वाइन करके खत्म करो। ये आपका फेज वन है, ये आपका फेज टू है, ये आपका फेज थ्री है। तो फेज वन में आपके जीके वाला पार्ट, पहले तो नॉलेज गैदर करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक विच दे कैन आस्क, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इंग्लिश को लेके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन को लेके काम करेंगे। फिर फाइनली GD केस डिस्कशन, एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू पे बात करेंगे। तो इसके सेशंस भी होंगे, इसका 1-to-1 सेशन भी होगा, तो काफ़ी कुछ बढ़ने वाला है। अराउंड 25+ सेशन तो आपके होने वाले, फिर 1-to-1 इंटरव्यू होने वाला है, GD होने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ करने वाले हम लोग, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ थिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस सेशन। जितनी मेहनत आपने स्टेज वन में की थी, उतनी ही मेहनत आपको स्टेज टू में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके 15+ सेशन GK को लेके हैं, बजट हो गया, सोशल इकोनॉमी, GK हो गया आपका, बिजनेस, इलेक्शन, ठीक है। इसके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश को लेकर के 5+ सेशन, बेसिक ग्रामर, कमांड ओवर लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड बी योरसेल्फ, ओरिजिनलिटी। एंड कोर इज नथिंग बट द फेज थ्री, जहाँ पे 10+ सेशंस हैं आपके, DAF को लेकर के सेशन, GD को लेकर केस डिस्कशन, एक्सटेम्पर, इंटरव्यू पार्ट एंड मिसलेनियस, ठीक है। सो दिस इज वॉट द कम्प्लीट मॉड्यूल फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट प्रिपरेशन। ऑनलाइन असेसमेंट ज्वाइन करने के लिए मेनूवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके टेस्ट पे चले जाओ, टेस्ट एंट्रेंस। यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू प्रोग्राम है, 1 course, 2 course and 3 courses, ठीक है। आज का टाइम है, कल का टाइम है, फटाफट इसको ज्वाइन करो। और मंडे को मैं आगे का प्रोसेस, मंडे या ट्यूजडे तक आई विल पोस्ट यू द अनदर फॉर द प्रोसेस प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड। कट ऑफ को लेकर के जिनको कन्फ्यूजन है, अगर ये स्कोर के आस, जो मैंने आपको चार्ट दिया इसके आसपास अगर आपका स्कोर है, स्टेज टू की पढ़ाई चालू कर दो, टाइम नहीं मिलने वाला है। फटाफट टेस्ट चालू करेगा आपका फर्दर प्रोसेस, और आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन को लेकर के। लास्ट ईयर में उन्होंने ऐसा ही किया था, ठीक है। बाकी गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।